ओके बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आ गए हैं। तो लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विद पीसीएल 5 एंड पीसीएल 3। एल्कोहल्स की रिएक्शन करवाई थी सर, किसके साथ करवाई थी? पीसीएल 5 और पीसीएल 3 के साथ करवाई थी सर। आज बेटा पढ़ेंगे हम डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। स्टार्ट किया था लेकिन कल खत्म नहीं कर पाए थे। तो ध्यान से देखो बेटा, SOCl2 के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम एल्कोहल्स की। तो सभी ने पढ़ा होगा बेटा डार्जन्स मेथड के बारे में, दैट इज द प्योरेस्ट मेथड टू ऑब्टेन अ हेलो एल्केन। कहाँ पढ़ा था सर ये डार्जन्स मेथड? हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा कहीं पे? क्या पहले भी पढ़ा है क्या कहीं पे? यस, कहाँ पे पढ़ा था बेटा मुस्कान? प्रेसिपिटेशन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। वेरी गुड बेटा। तो ध्यान से देखो बच्चों, डार्जन्स मेथड है हमारे पास। डार्जन्स मेथड के अंदर क्या है सर? एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं सर, किसके साथ करवा रहे हैं बेटा? SOCl2 के साथ। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा। यहाँ पे आपने अभी अभी बताया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में पढ़ा था सर, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के अंदर तो यहाँ पे क्या बनेगा सर? हेलो एल्केन बनेगा। That is, यहाँ पे बेटा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है पोलर बॉन्ड, दैट इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है सर? OH आया। यहाँ पे क्या है बेटा? SOCl2 है, दैट इज क्लोरीन नेगेटिव आयन। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? OH आयन। तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे क्या क्या फॉर्म होगा यहाँ पे। एल्कोहल जो है वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। जैसा कि हम अभी पढ़ के आए ना, एल्कोहल ड्यूअल नेचर दिखाता है सर। ड्यूअल नेचर तो है फिजिक्स में होता है। That is part A, that is part B. जल्दी से बताओगे बेटा? SO3Cl नहीं बेटा, SO3 नहीं बनेगा, SO3 इज आयन। आयन बन गया तो बेटा प्योरेस्ट रिएक्शन किस तरीके से होगी? SO2, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों। हेलो, हाँ बोलिए सर। क्या मॉर्निंग के लिए बोलूं? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा 7 to 8 अनाउंस कर दो ना आप, अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल चल रही है, पर बच्चे तो सिर्फ 2-3 ही है ना, इसमें अनाउंस कर देंगे और उसके बाद फिर आप हाउस में डाल देंगे, दोनों कर देंगे। चलो ठीक है सर, ओके। हाँ, बोला है मैंने, बिल्कुल बोला है। ओके सर, ओके 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 सर। हेलो बच्चों, मे भी आपको वॉइस नहीं आ रही थी, कॉल आई थी, कोई इंटरप्शन हुई थी बेटा। चलो लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं बेटा इस बारे में। लेक्चर कंप्लीट करते हैं उसके बाद बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मुझे किसी का भी आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, किसी ने भी आंसर नहीं किया बेटा। एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा या एज एन न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। आवाज आ रही है बेटा? वेरी गुड बेटा। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल की एक्ट करेगा सर। न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से एक्ट करता है? दैट इज बेटा फाइल का मतलब अट्रैक्शन, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव सर। पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा सर, दैट इज RO नेगेटिव। और साथ में क्या है बेटा? एच पॉजिटिव आयन है। यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे भी आयन है। कौन सा आयन है बेटा? Cl नेगेटिव आयन, दैट इज Cl नेगेटिव आयन है सर। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन, दैट इज अ पोलर बॉन्ड नोन एज HCl। क्या बना लेगा बेटा? HCl बना लेगा, बिल्कुल सही सर। और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा? SO है, यहाँ पे हमारे पास RO नेगेटिव है। RO नेगेटिव है सर, यहाँ पे O नेगेटिव है। अगर यहाँ से हम कार्बन को हटा दे तो कार्बन, सॉरी सर, SO है, यहाँ से हमारे पास SO आयन है। यहाँ पे क्या है सर? ऑक्सीजन है। और साथ में क्या है बेटा? R पॉजिटिव है। तो R पॉजिटिव है सर, यहाँ पे क्लोरीन आयन बचा हुआ है, ये मिलके क्या बना लेगा सर? RCl बना लेगा।
और साथ में हमारे पास क्या होगी बेटा, SO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो जैसा कि हमने पढ़ा था बेटा, दैट इज अ प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एन हेलो एल्केन। स्क्रीन ऑफ हो रही है, वन सेकेंड बेटा। वन सेकेंड बच्चे, मे बी नेट कनेक्शन वीक होगा। नहीं बेटा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, आप सही है। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो बच्चों, फिर से करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखो बेटा, SOCl2 की रिएक्शन करवा रहे थे सर, यहाँ पे हमारे पास क्या था, समथिंग इश्यू है। ओके बेटा, सभी को दिखाई दे रही है स्क्रीन? तो ये रिएक्शन बेटा हमने अभी अभी करी, दैट इज अ प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एन हेलो एल्केन। ओके बेटा, तो RCl है सर, यहाँ पे एलो एल्केन बन रहा है, साथ में सर SO2 गैस रिलीज हो रही है, और यहाँ पे क्या रिलीज हो रही है बेटा, हमारे पास HCl गैस रिलीज हो रही है। तो जैसा कि आपको बेटा मैंने बताया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है सर, क्या बताया हुआ है, दैट इज यहाँ पे बेटा दो गैसेज क्या होते हैं, रिलीज होते हैं सर, दो गैसेज क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो गैसेज तो क्या हो जाते हैं सर, रिलीज हो जाते हैं, हमारे पास एक ही कंपोनेंट बचता है, दैट इज नोन एज हेलो एल्केन। क्या बचता है सर, हेलो एल्केन बचता है, और इसीलिए बेटा हम इस मेथड को क्या कहते हैं, दैट इज द प्योरेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एन हेलो एल्केन, नॉन एज डार्जन्स मेथड, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डार्जन्स मेथड कहते हैं। अगर रिएक्शन क्लियर है तो यस टाइप करेंगे बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से। वेरी गुड बच्चों, मुस्कान को क्लियर है, पल्लवी को क्लियर है, रेखा को क्लियर है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन, सबने किया होगा, बिल्कुल किया हुआ है सर, डिहाइड्रोजिनेशन बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आदत सी हो गई है। तो ध्यान से देखो बेटा, डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर क्या है, सबसे पहले तो डी सर, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, बिल्कुल सर, डी का मतलब रिमूवल। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव होगी या फिर वाटर रिमूव होगा, जल्दी से रुकना नहीं चाहिए बेटा चैट बॉक्स। सबसे पहले आंसर आया बेटा पल्लवी का, वेरी गुड बेटा, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2 दैट मींस हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट मींस कोई ना कोई ऐसा एजेंट नहीं रखा होगा हमने जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा रहा है, सबस्ट्रेट को क्या करवा रहा है सर, ऑक्सीडाइज करवा रहा है, दैट इज यहाँ पे बेटा हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, इसका यूज करते हैं सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एजेंट कौन होता है बेटा,
एजेंट कौन होता है? जो दूसरे का काम कराता है। दूसरे का क्या काम कराएगा सर? जो इसके सामने लिखा हुआ है, दैट इज दूसरे को क्या कर रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्या होती है? रिमूव होती है, दैट रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। बिल्कुल सर, रिमूवल ऑफ एच टू, एडिशन ऑफ एच टू को रिडक्शन कहते हैं, तो एडिशन रिमूवल ऑफ एच टू को ऑक्सीडेशन कहेंगे। इन दिस प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड। अच्छा, ये तो बिल्कुल याद है सर हमें, दैट इज एल्कोहल है सर। अब एल्कोहल है बेटा, ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा, आर ओ एच। अगर हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है? जल्दी से देखते हैं, सबसे पहले कौन बताता है? किसका है कमेंट? पल्लवी का। वेरी गुड बेटा, क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है सर। अब एल्डिहाइड बेटा 1 डिग्री एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने से बनता है या फिर 2 डिग्री से? ये और बता दो मुझे, 1 डिग्री एल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड या फिर 2 डिग्री एल्कोहल से? 1 डिग्री से। 1 डिग्री क्या होता है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल से हमारे पास क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। वेरी गुड बच्चे, एल्डिहाइड, दैट इज एल्डिहाइड के अंदर भी कौन सा सर? फॉर्मल्डिहाइड। और अगर बेटा हम 2 डिग्री ले लें तो 2 डिग्री से हमारे पास क्या बनता है बेटा? फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के आगे जो स्टार्ट होते हैं बेटा एसिटाल्डिहाइड से, वहां से हमारे पास क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। 2 डिग्री से क्या बनता है सर? कीटोन बनता है। क्या बनता है? कीटोन। 3 डिग्री से क्या बनता है बेटा? अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो वट विल बी द प्रोडक्ट? अल्कीन। वेरी गुड बेटा पल्लवी, वेरी गुड बच्चे, क्या बनता है सर? अल्कीन बनता है, बन गया अल्कीन। तो यही रिएक्शन है बेटा, यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं? ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं सर? बिल्कुल पड़े हुए हैं, एसिडिफाइड, K2Cr2O7 हो गया बेटा, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। साथ में क्या है सर? Cr3 है, दैट इज क्रोमेट। कॉलिंस रिएजेंट भी लेते हैं बेटा, Cr3 पाइरिडीन, PCC पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट एंड PDC। तो ये अगर ये इस नाम के जीव जंतु अगर कहीं पे आ जाते हैं तो ये जीव जंतु क्या कराते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और ऑक्सीडेशन करवाते हैं प्रोडक्ट क्या मिलता है बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। किसके साथ कराएं तो? एल्कोहल के साथ। रिएक्शन दिखाओ सर, रिएक्शन से समझ में आएगा। चलो रिएक्शन देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं सर रिएक्शन। तो ध्यान से देखो बच्चों, रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो हमारे पास क्या है सर? ROH है, ROH की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन सर? जो दूसरे का काम कराए। क्या काम कराए सर? ऑक्सीडाइज कर दे। इतने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़े बेटा, उन सभी के प्रेजेंस में हम क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सर, यहाँ पे मान लो मैं ले रहा हूँ बेटा K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम क्रोमेट। अब पोटेशियम क्रोमेट है सर, पोटेशियम क्रोमेट तो क्या देगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है सर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेगा सर? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये लो बेटा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, दैट इज ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। इस कंपाउंड की क्या करवा रहा है? ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही तो हम क्या कहते हैं सर? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहां से हमारे पास कार्बन है सर, दैट इज कार्बन। कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो अब जल्दी से बताओ बेटा क्या रिएक्शन होगी, जल्दी से बेटा देखते हैं कौन बताता है। अरे ये रिएक्शन तो काफी बार करा चुका हूं मैं, 2 बार तो करा चुका हूं। CHO+H2। वेरी गुड बच्चे, कमेंट आया है, किसका आया है सर? वेरी गुड बच्चे, तो यहां पे हमारे पास क्या होता है सर? मान लो हमारे पास हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CH2OH की, तो यहां से हमारे पास ऑक्सीजन है सर। यहां से हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन।
वेरी गुड बेटा। तो ऑक्सीडेशन है सर, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगी, ऑक्सीडेशन के अंदर सर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होगी बेटा, कौन सी साइड पे ऐड होगी सर, दैट इज नोन पोलर बॉन्ड के ऊपर ऐड होगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। कार्बन के ऊपर क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होगा। द साइड ऑन विच ऑक्सीजन विल रिएक्ट, दैट इज कार्बन पॉजिटिव। यहाँ पे क्या कर रहा है सर, एक्ट कर रहा है, दैट इज यहाँ पे अगर एक्ट कर रहा है तो यहाँ से तो सर कुछ ना कुछ निकलेगा। और ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड बना रहा है मतलब दो बॉन्ड्स निकलेंगे, दो बॉन्ड्स कौन कौन से निकलेंगे बेटा, हाइड्रोजन, दैट इज यहाँ पे सर CH3। कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, ऑक्सीजन आ जाता है, साथ में क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, रिमूव होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है सर, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है मैं ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहा हूँ, ऑक्सीजन की एडिशन करवा रहा हूँ बेटा, ये वाली ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, देखते हैं किसको पता है। लास्ट टाइम करी थी ना ये रिएक्शन, अरे अब तो लेक्चर्स भी डलते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन, हाँ बेटा नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करवाई है ना हमने, ये वाली ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, क्या यही ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है। जल्दी से बताओ बेटा, बोल के भी बता सकते हो। वेरी गुड बेटा, मुस्कान का रिप्लाई आया है, पल्लवी का रिप्लाई आया है। ओ नेगेटिव, नहीं बेटा ओ नेगेटिव तो नहीं आता। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ क्या बनाते हैं सर, डबल बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से बेटा हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन रिमूव होके कहाँ पे जाती है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर चली जाती है वापस। जैसा कि आपको पता होगा बेटा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, और कैटलिस्ट क्या करते हैं सर, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट या स्लो करते हैं, दैट इज द फर्स्ट वर्क, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग करते हैं, दैट इज द सेकंड वर्क। लेकिन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट होके अपनी अमाउंट को कम या ज्यादा नहीं करते हैं बेटा, दैट इज अमाउंट क्या रहेगी सर, वही रहेगी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आई है तो यस टाइप करेंगे, अगर समझ नहीं आई है, कोई भी डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो, जल्दी करो बच्चों। सर ऑक्सीजन वाला बताना, ये देखो बेटा K2Cr2O7 है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा बेटा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, दूसरे को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा, बिल्कुल ऑक्सीडाइज करेगा सर। यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक्ट किया, ऑक्सीजन यहाँ पे आके बैठ गई बेटा, हाइड्रोजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, दैट इज यहाँ से सर हाइड्रोजन क्या हुई है, रिमूव हुई है। अब हाइड्रोजन रिमूव होगी बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी, यहाँ से हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल रहा है सर, कहाँ पे जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होता है, ऐड होता है, और क्या बनाता है बेटा, वापस K2Cr2O7 बना लेता है, दैट इज अ कंप्लीट बेटा। अगर समझ आ गया तो यस टाइप कर देना। वेरी गुड बच्चे, अगर यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन K2Cr2O7 के साथ वापस रिएक्शन नहीं कर रही है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, वॉटर की फॉर्मेशन होती है। H2 पहले से प्रेजेंट होती है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, H2O बनाती है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी के अंदर बनता है बेटा, क्योंकि हमारे पास क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस नहीं है बेटा यहाँ पे। तो ये रिएक्शन थी बेटा, ये रिएक्शन लगभग सभी बच्चों को समझ आ गई है। नेक्स्ट है बेटा, इफ वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट स्टेज ऑफ एल्डिहाइड वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेटा हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर भी पढ़ेंगे कि अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, अगर हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, अच्छा वैसे पढ़ चुके हैं हम इस रिएक्शन को,
आर ओ एच है बेटा, आर ओ एच को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया सर, यहाँ पे क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया, दैट इज आर सी एच ओ। अगर बेटा ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए, हमारे पास सर ऑक्सीजन तो एक्सेस में है ना, अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए बेटा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने पे क्या बनता है सर, एसिड बनता है। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है सर, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हमें चाहिए कि सर ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाए, एसिड तक बात ही ना पड़े, तो एसिड तक बात ना पड़े तो हमें क्या लेना पड़ेगा सर, यहाँ पे एक ऐसा एजेंट यूज करना पड़ेगा जो सर ऑक्सीडाइजिंग तो हो लेकिन क्या हो बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, मतलब सिर्फ एल्डिहाइड तक कर सकता हो, एल्डिहाइड से फर्दर रिएक्शन ना करता हो बेटा, दैट इज नोन एज कुछ नहीं कहते इसको, प्लीज कॉन्टेक्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप रिएक्शन एट स्टेज ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड के पास स्टॉप करना चाहते हैं तो वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम क्या यूज करेंगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इट इज नॉट इट दैट प्राइमरी अल्कोहल्स गिव एल्डिहाइड। अच्छा इस चीज के बारे में तो पढ़ चुके हैं सर, प्राइमरी अल्कोहल दैट इज 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कौन से होते हैं बेटा, OH का जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने कार्बन से कनेक्टेड हो बेटा, एक कार्बन से, दैट आर नोन एज 1 डिग्री अल्कोहल्स। 1 डिग्री अल्कोहल्स क्या देते हैं बेटा हमें, एल्डिहाइड्स देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स क्या देते हैं सर, कीटोन्स देते हैं। इसके भी रिएक्शन देख लेते हैं जल्दी से। 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री अल्कोहल्स कौन से होंगे बेटा, OH का जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन क्या हो सर, दो कार्बन से कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल। ये सर यहाँ पे आ गया सी एच थ्री, ये यहाँ पे आ गया सी एच थ्री, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा ये बताओ मुझे, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे क्या, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो OA लिखो। हाँ वेरी गुड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे बेटा, क्या प्रोवाइड करेगा हमें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा सर, बिल्कुल ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगी सर, यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की क्या होगी बेटा, रिमूवल होगी, दैट इज एक हाइड्रोजन सर यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया बेटा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, मिलके क्या बनाएगा सर, सी एच थ्री, कार्बन कार्बन के साथ सी एच थ्री अटैच है बेटा, यहाँ पे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे क्या जाएगा सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ दोनों तरफ क्या कनेक्टेड है सर, अल्काइल ग्रुप्स कनेक्टेड है। तो इसके बारे में तो हमने पढ़ा है सर, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर कार्बन कार्बन लगे हों, दैट इज नोन एज कीटोन। तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, कीटोन बन रहा है। कब बना सर कीटोन, जब हमने क्या लिया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल लिया। 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, देन द प्रोडक्ट विल बी कीटोन, दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन बेटा, समझ आई है तो यस टाइप करना। अच्छा मुझे ये बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, ओके मुस्कान, रेखा, पल्वी, ये सब सभी को समझ आ गया, वेरी गुड बेटा। अच्छा मुझे ये बताएंगे सभी बच्चे, मैं एक तरफ तो ले रहा हूँ बेटा CrO3 को और एक तरफ ले रहा हूँ K2Cr2O7 को, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन बोथ ऑफ देम, दोनों के अंदर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है बेटा, देखते हैं कौन बताता है। बी, वेरी गुड बेटा, K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम, सभी का आंसर आ गया, दैट इज पोटेशियम ब्रोमेट क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, CrO3 क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो मान लो मैंने यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराई, दैट इज CrO3, पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवा दूं, दैट इज K2Cr2O7, तो ये भी क्या करेगा सर, ये भी तो ऑक्सीडाइज ही करेगा ना इसको, ये भी क्या कर रहा है सर, इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। पर बच्चे मुझे ये बताएंगे कि इसके अंदर कीटोन बन रहा था, क्या इसके अंदर भी कीटोन बनेगा, देखते हैं कौन बताता है, क्या इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, क्या कीटोन होगा या क्या होगा। नो सर ये फर्दर, नो सर ऑक्सीडाइज, क्या बनेगा बेटा आंसर बताओ, आंसर नहीं, HOK एसिड, वेरी गुड बेटा, किसका आंसर आया, पल्लवी का आंसर आया। ध्यान से देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यूज कर रहे हैं तो कीटोन को, अगर हम कीटोन क्या हो जाता है बेटा, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, क्या बना लेता है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे तो OH रहेगा ही, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज कार्बन है सर, कार्बन के साथ क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है,
यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ओ एच आ जाएगा, दैट इज यहां से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव तो हो गई, किसके साथ हुई सर, इस वाली ऑक्सीजन के साथ। सर यहाँ पे क्या आ गया, H2O आता है बेटा, और साथ में क्या आती है, CO2 गैस आती है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब बच्चों का एक बढ़िया सा डाउट आ रहा होगा, सर क्या डाउट आ रहा है कि सर ये CO2 और H2O कहां से आया, तो देखते हैं कौन बताता है CO2 और H2O कहां से आया। CO2 और H2O कहां से आया बेटा, देखते हैं कौन बताता है। अरे कोई तो बोलो, अटक गई इसमें, बस इतनी ऑर्गेनिक थी, अब की बार तो अच्छे से किया था, कार्बन और ऑक्सीजन से। वेरी गुड बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी सर, दैट मीन्स 3 कार्बन थे, कितने कार्बन थे बेटा, 3 कार्बन थे, यहाँ पे कितने कार्बन है सर, 2 कार्बन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करवा रहे हैं तो हमेशा एल्कोहल से क्या बनेगा बेटा, 1 कार्बन लेस बनेगा, दैट इज यहाँ पे क्या है सर, 2 कार्बन का क्या बनाएगा बेटा, एसिड बनाएगा, 1 कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, यहाँ से सर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट इज 1 हाइड्रोजन एंड द अनदर 1 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, H2O बनाएंगे, दैट इज H2O, तो दैट इज द कंप्लीट रिएक्शन बेटा। अगर समझ आई है तो यस टाइप करोगे, अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, माइक ऑन है, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, माइक ऑन है मेरा, ऑन कह रहा हूँ, ऑफ है मेरा माइक। किसी का कोई डाउट नहीं है, ओके बेटा समझ आ गया है, सभी को समझ आ गई है बेटा, वेरी गुड बच्चों, सभी का यस टाइप ही आया, अच्छा समझ आ गया है तो ठीक है, फिर मैं पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। अब हमारे पास है बेटा कार्बन, कार्बन के साथ है सर OH, यहाँ पे लगा हुआ है सर कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हम पाइरिडीन के साथ, दैट इज नोन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या होता है सर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज करेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जिसका सबसे पहले आंसर आया उसको शाबाशी, वेरी गुड बेटा, मुस्कान का सबसे पहले आंसर आया, मुस्कान बेटा वेरी गुड, यहाँ पे सर पाइरिडीन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सर यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है वो कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है सर, 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, ये यहाँ पे क्या है सर, 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, OH कार्बन जिस OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, इसके ऊपर किसी भी टाइप का हाइड्रोजन नहीं है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाता सर, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं जाता तो कहाँ से जाता है, इस वाले हाइड्रोजन से जाता है बेटा, इस वाले कार्बन से, बीटा कार्बन से हमारे पास हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या बनता है सर, ऑक्सीजन तो रिमूव होगा ही सर, बिल्कुल रिमूव होगा, और यहाँ पे बेटा हमारे पास CH3 साथ में क्या है सर, कार्बन है, साथ में क्या है सर, एक और CH3 है, बीटा कार्बन से हमारे पास क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट इज यहाँ पे सर CH2 आता है, यहाँ से सर हमारे पास OH क्या होता है, रिमूव होता है, दैट मीन्स यहाँ से OH सर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, OH और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वाटर, दैट इज यहाँ पे वाटर की रिमूवल होती है सर, और यहाँ से हमारे पास, यहाँ से सर OH गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, डबल बॉन्ड आ जाएगी, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली, क्या बना लिया सर, डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज अल्कीन, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, अल्कीन कहते हैं, तो दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन, जिस चीज को समझ आइए बेटा यस टाइप करेगा जल्दी से। वेरी गुड बेटा, सभी को समझ आ गया, वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, वी हैव रिएक्शंस वेयर यू विल सी दैट सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स कीटोन्स, हमारे पास रिएक्शंस है जिसके अंदर आप देखोगे सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन दे रहा है, अरे रिएक्शंस है नहीं, रिएक्शंस पढ़ लिए,
बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस लाइक यूज ऑफ पोटेशियम ड्राइक्रोमेट। लेकिन बेटा अगर ड्रास्टिक कंडीशंस आ जाए जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या दे देता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है विद लेस नंबर ऑफ कार्बन देन इन एल्कोहल। जितने कार्बन एटम एल्कोहल के थे अंदर थे उससे एक कार्बन कम, जैसा कि हम पढ़ के आए थे सर 2 डिग्री एल्कोहल था, यहाँ पे हमने सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया गलती से, तो एक कार्बन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दैट इज CO2 बना लेगा, और साथ में क्या आएगी सर H2 आएगी, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक कार्बन कम वाला एसिड बन जाएगा, दैट इज इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन बेटा अगर समझ आ गई तो ये यस टाइप करेंगे, पढ़ चुके हैं ना इसको तो आप। वेरी गुड बेटा, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स। अगर टर्शियरी अल्कोहल्स के साथ किस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं ये पढ़ा चुका हूं मैं, अभी अभी तो पढ़ाया था, लास्ट में आ रही है क्या सब कुछ, मुझे लगा मैंने डाली नहीं है। कार्बन 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 इसके साथ लगा हुआ है सर OH, इसकी रिएक्शन करवाई सर, किसके साथ करवाई सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाई सर। यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है नहीं सर, अल्फा कार्बन नहीं है तो इसके पास से क्या होता है सर, हाइड्रोजन रिमूव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ सर, यहाँ से OH रिमूव होता है बेटा, मिलके क्या बनाते हैं H2O बनाते हैं। साथ में हमारे पास क्या है सर R है, यहाँ पे क्या है सर कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास एक और कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन है, यहाँ पे क्या जाती है सर डबल बॉन्ड आ जाती है, क्योंकि यहाँ से OH गया यहाँ से हाइड्रोजन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास खाली थे, क्या बन जाती है सर एल्कीन बन जाती है। अभी अभी पढ़ गया है बेटा इस रिएक्शन को, थ्योरी थी। गिव्स एल्कीन्स बिकॉज दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम सो ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल। एल्कीन्स लेते हैं बेटा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन तो होता नहीं है, कौन सा हाइड्रोजन सर अल्फा हाइड्रोजन, सो ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होती, एंड दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये क्या शो करते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, OH रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है, दैट मींस रिमूवल ऑफ वाटर होता है बेटा, यहां पे क्या होता है रिमूवल ऑफ वाटर होता है। नेक्स्ट है बेटा डीहाइड्रोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अरे अभी तो पढ़ के आए हैं क्या हो रहा है। प्लीज नोट दैट C2H5OH इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। जो हमारे पास बेटा इथेनॉल होता है, इथेनॉल का सभी को पता होगा, इथेनॉल जो होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के तौर पे यूज किया जाता है, ड्रिंकिंग पर्पस वाइन बियर और क्या होती है, वाइन बियर जो भी होती है उन सभी के अंदर ये यूज होता है, और बेवरेजेस बेटा जूसेस के अंदर भी यूज किया जाता है। बट CH3OH इज नॉट गुड टू कंज्यूम। लेकिन बेटा मिथेनॉल जो होता है वो अच्छा नहीं होता है कंज्यूम करने के लिए। When in C2H5OH, CH3OH is added, अगर C2H5OH के अंदर CH3OH को add कर दिया जाए, it becomes denatured alcohol. ये क्या बन जाता है बेटा? Denatured alcohol बन जाता है. If it is consumed by anyone, it causes death. अगर इसको आपने कंज्यूम कर लिया तो आपकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इट हिट्स द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को हिट करता है बेटा, एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, दैट इज पार्शियली ऑक्सीडेशन। हमने क्या किया सर, पार्शियल ऑक्सीडेशन, यहाँ पे अलग थिंग है बेटा, पार्शियल ऑक्सीडेशन क्या होते हैं बेटा, CH3OH को हमने पार्शियली ऑक्सीडाइज किया सर, यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, HCHO बन गया, दैट इज मिथेनॉल, कुछ नहीं है, एल्डिहाइड वाला ही पार्ट है। तो यहाँ तक बेटा अगर समझ आ गया है तो यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स यहाँ पे खत्म होती है बेटा, यहाँ पे हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स खत्म हो गया है। ओके बेटा, सभी को समझ आ गया है। कल बेटा जो हम पार्ट स्टार्ट करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अरे ल्यूकास टेस्ट रह गया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हमारे पास क्या रहता है सर, हमारे पास ल्यूकास टेस्ट रहता है, ल्यूकास टेस्ट और पढ़ लेते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है बेटा, ल्यूकास टेस्ट क्या होता है कि मान लो हमारे पास क्या है सर, हमने अभी अभी पढ़ा कि 1 डिग्री एल्कोहल भी होता है सर, अगर कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, देन इज 1 डिग्री एल्कोहल, अगर हमारे पास OH कार्बन दो कार्बन से कनेक्टेड है, देन इट इज 2 डिग्री एल्कोहल। बट अगर हमारे पास जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप कनेक्टेड है वो 3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, देन इट इज 3 डिग्री एल्कोहल।
तो हम कैसे पता लगाएंगे सर वन डिग्री कौन सा है, टू डिग्री कौन सा है और थ्री डिग्री कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा सर ये? तो हमें कैसे पता चलेगा बेटा, वन डिग्री, टू डिग्री, थ्री डिग्री, तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर कौन सा वन डिग्री होता है, कौन सा टू डिग्री होता है, कौन सा थ्री डिग्री होता है, हम यूज करते हैं बेटा लूकास टेस्ट का। अब लूकास टेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा, जो भी हमारे पास अल्कोहल है उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बताया था ना मैंने आपको, एक रिएजेंट था ल्यूकास रिएजेंट, कौन सा होता है बेटा ल्यूकास रिएजेंट जल्दी से बताएंगे, देखते हैं किसको याद है, HCl एंड Zn Cl2, वेरी गुड बेटा, HCl करवाते हैं बेटा, HCl की हम क्या करवाते हैं रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn Cl2, दैट इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और यहां से हमें क्या पता चलता है, वन डिग्री है कि टू डिग्री है या थ्री डिग्री है, इस चीज का पता चलता है। ऐसा कैसे सर? तो ध्यान से देखो बेटा, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो सबसे पहली बात बेटा प्राइमरी अल्कोहल, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो हम किसी भी अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि प्राइमरी है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी अल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Zn Cl2। और अगर बेटा अल्कोहल को हमने HCl के अंदर डाला और डालते ही क्या आ जाए, टर्बिडिटी आ जाए, टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन वॉर्म, टर्बिडिटी क्या हो बेटा, अपीयर हो किसके ऊपर सर, वॉर्म टेम्परेचर के ऊपर हो, That means बहुत टाइम के बाद, a long period of time के बाद हमें क्या मिले बेटा, turbidity मिले। अब सर ये turbidity क्या होती है, turbidity क्या होती है बेटा, किसी को तो पता होगा ना, सर आपने preparation of phenols क्या करा दी, अरे बेटा phenol तो हमने start ही नहीं करी है ना, alcohol ही पे ही है बेटा, अब तो हम अभी तक तो हम phenol तो कल करेंगे ना, फिनोल कल स्टार्ट करेंगे बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल उसी में आएगा। अच्छा आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करवा रहे हैं सर, प्रिपरेशन तो करवाई नहीं, नहीं बेटा उसी के अंदर है, डोंट वरी। टर्बिडिटी क्या होती है बेटा, टर्बिडिटी होती है दैट मींस क्या हो गया सर, उसके अंदर सोल्यूबल हो जाए बेटा, क्या हो जाए, सोल्यूबल हो जाए, उसी टाइम उसके अंदर घुल जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, टर्बिडिटी को कहते हैं, दैट मींस घुल गया है। अगर बेटा अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें क्या मिलती है, टर्बिडिटी मिलती है, देन इट इज नोन एज प्राइमरी अल्कोहल, तो हम इसे क्या कहते हैं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, क्या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जल्दी से बताएंगे बच्चे, देखते हैं कौन बताते हैं, किसी का तो आए, सर मे बी शॉर्ट पीरियड आएगा, नहीं बेटा बिल्कुल भी नहीं आता है, इसी के अंदर बच्चों को डाउट होता है। तो ध्यान से देखो बेटा, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं दैट इज वन डिग्री अल्कोहल, इसको जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा HCl इन प्रेजेंस ऑफ Zn Cl2 के साथ, तो जब बेटा हम इसे हीट करते हैं काफी अमाउंट पे हीट करने के बाद सर, इट डजंट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, वेरी गुड बेटा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं करता है, बहुत मिनिमम अमाउंट में करता है, दैट मींस अगर हम हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, अगर हम हीट को बढ़ाते हैं बेटा, तो हीट को बढ़ाने के बाद टर्बिडिटी क्या करता है, शो करता है, करता है बेटा, लेकिन अगर हम हीट को बढ़ा रहे हैं तो, अगर हम टेम्परेचर को कंटिन्यू कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो टर्बिडिटी शो नहीं करता है बेटा, That is known as primary alcohol. Primary alcohol का हमें यहाँ से पता चलता है। और अगर हम देखें बेटा 2 degree alcohol की, तो जब हम secondary alcohol की reaction करवाते हैं HCl Zn Cl2 के साथ, no warming, कोई temperature, no, कोई भी heat provide नहीं कर रहे, temperature क्या है बेटा, constant है, तो turbid on its standing on its own, अपने आप क्या करता है बेटा, turbidity दिखाता है, हमें कुछ भी नहीं करवाना पड़ता, हमने क्या किया HCl डाला Zn Cl2 की presence में 2 degree alcohol के अंदर, कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या हो जाता है बेटा, टर्बिडिटी दिखा देता है, हम कुछ भी नहीं करते, हम ना ही हीट देते ना ही कुछ भी नहीं करते बेटा, अपने आप थोड़े टाइम के बाद क्या दिखा देता है, टर्बिडिटी दिखा देता है। और अगर बेटा मैं बात करूं टर्शियरी अल्कोहल्स की, 3 डिग्री अल्कोहल्स की, इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Zn Cl2 का अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं,
तो क्या दिखाता है बेटा, इमीडिएट टर्बिड दिखाता है। दैट मीन्स उसी टाइम क्या हो जाता है बेटा, डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज इमीडिएट टर्बिडिटी। तो ल्यूकास टेस्ट बेटा, जिस जिसको समझ आया जल्दी से यस टाइप करेंगे, देखते हैं किस किस को समझ आया। वेरी गुड बच्चे, लगभग सभी बच्चों को समझ आ गया है।